एक्सप्रेशन लर्न कर रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको सटल के बारे में बात किया था दियर इज टू सटल ग्लिस्र फॉस्फेट सटल एंड दीज आर लाइक आपके पार्ट सटल मैट्रिक्स में माइटोकॉन्डिया में भेजने के लिए ग्लिसर फॉस्फेट सटल में क्या होता है कि ये जो एन होता है ये फोस्फो ग्लिसरॉल से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है इस पर्टिकुलर थ्री फोस्फो के लिए ये थ्री फोस्फो में ये जो है अपना ये क्या करता है कि फॉस्फेट दिस इज अ डी एच में कन्वर्ट होगा ये थ्री फोस्फो में होता है और थ्री फोस्फो एक्चुअली क्या करता है कि ये एफ को इलेक्ट्रॉन देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एफ के लिए तो यानी कि एन अब यूज होगा एफ से ग्लेशियर फॉस्फेट सटल में एनएडीएच का जो इलेक्ट्रॉन था वो अब एफ टू जैसा यूज होगा तो यहाँ पे इसी वजह से एक एन जो 2.5 पॉइंट बना रहा था अब ये जो बनाने लगेगा वो बनाने लगेगा आपका ठीक है दिस इज लाइक ये है बनाने लगेगा टू पॉइंट सॉरी ये जो है इन्वॉल्व हो जाएगा ये एनएडीएच बनाएगा टू और अब ये जो बनाने लगेगा वन

ये मैलेट यहाँ पे आता है और ये ऑक्जिलोसिटेट फिर स्पार्टेट में कन्वर्ट होकर स्पार्टेट फिर वापस वापस फिर ये ऑक्जिलोसिटेड फिर वो लेके एन -ले एनएडीएच आता है ये जो यहाँ पे मैलेट ये जो एन था साइटोसोल का इलेक्ट्रॉन इसने मैलेट को दिया था मतलब ऑक्जिलोसिटेट को दिया था जो मैलेट में कन्वर्ट हुआ था ये मैलेट आके एन को ही देता है मैट्रिक्स में भी एन बनाता है मतलब कोई भी एटीपी में चेंज नहीं आता है इसलिए जितना एटीपी बनना चाहिए उतना ही बनता है और एमएलएड स्पार्टेड में आपको टोटल ए जो मिलता है थर्टी टू मिलता है जबकि सेटल में जो मिलता है आपको टोटल ए 30 एटीपी के बराबर मिलता है ठीक है ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है

एटीपी एटीपी का प्रोडक्शन करता है नाउ द कॉम्प्लेक्स वन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो दिए हुए इन इंफॉर्मेशन को आप लर्न कर सकते हो या किडनी में तकलीफ हो रही है तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इतना डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है गेट में नहीं पूछा जाता पहला कॉम्प्लेक्स है एनएडीएस डीहाइड्रोजिनेजेस जहां पे अगर हम बात करते हैं मल्टीपल सब फोर्टी फाइव पेप्रेड का बना होता है एल सेब अगर आप देखोगे एनएडीएच रिडक्टेज एक्टिविटी है कितने प्रोटोन को पंप करता है फोर प्रोटोन को कुछ कुछ आप ध्यान रखना ये जो है भैया एन ए डी एच यहाँ पे आके रिड्यूज होगा फोर प्रोटोन को पंप करेगा जब एन ए डी एच रिड्यूज होता है दो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है वो एफ एम एन आर एस सल्फर उसके बाद ये जो है क्यू एस टू में कन्वर्ट होता है वही क्यू साइकिल जो चलती थी आपके किस में प्ला, उस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस uh, में वही यहाँ पे भी क्यू साइकिल उसी तरीके से चलेगा उसके द मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ये ओनली मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है जो कि आपके साइट्रिक साथिक एसिड साइकिल में भी यूज होता था जहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनीज यूज किए जाते थे एफ ए डी एस जो बन रहा था ठीक है नाउ इनकोडेड बाई द न्यूक्लियर जीनोम कई सारे आपके पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स और ये जो होते FADH2 का यहाँ पे वो करता है FADH2 से और और वाले केस को यूज करता है और ये एनी because it is a cytosolic, या linked होते membrane bound होते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड होने की वजह से ये जो होते हैं कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करते हैं साइटोक्रोम बी सी वन कॉम्प्लेक्स या इसको बोलते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज Now, से form -sulfur center में आता है, है, उसके बाद C get reduced, C1 and C2. Ultimately, B -B वाला चलता रहता है। चार को पंप करेगा, चलेगी एंड एड्स द प्रोटोन ग्रेडियंट ठीक है तो टू क्यू एच टू जो होते जाने के लिए ये क्या फोर प्रोटोन को पंप करता है अल्टीमेटली कैसे पंप करेगा अभी हम बात करेंगे इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फोर्थ दैट इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेजेस ये जो होते हैं ये कॉपर कंटेनिंग होते हैं साइटोक्रोम ए टू ए थ्री फॉर्म में ऑक्सीजन यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन रिएक्ट करता है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है और वो त, आ, क्या करता है कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है वन प्रोटोन फोर प्रोटोन इज यूज फॉर वन एटीपी जनरेशन हियर इन द माइटोकॉन्ड्रिया बट क्लोरोप्लास्ट में थ्री प्रोटोन का ही जरूरत होता है ये जो पंप करता है वो दो प्रोटोन को पंप करता है टू प्रोटोन को जो पंप करता है वो कॉम्प्लेक्स फोर्थ करता है ठीक है, so, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती है कॉम्प्लेक्स वन एनडीए हाइड्रोजनेस चार प्रोटोन को पंप किया कॉम्प्लेक्स टू किसी प्रोटोन को पंप नहीं किया एफ टू का यूज करता है कॉम्प्लेक्स थ्री चार प्रोटोन को पंप किया ये और उसके बाद कॉम्प्लेक्स फोर जिसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोलते हैं ये पंप करता है आपके बेसिकली अ फॉर फोर टू प्रोटोन को पंप करता है नॉट एग्जैक्टली फोर प्रोटोन ध्यान रखना दिस इज यूज फॉर टू प्रोटोन पहले फोर प्रोटोन होता था टू प्रोटोन को पंप करता है नाउर साइकोक्रोम जिसके बारे में मैंने बात किया था दिस इज बी सी ए इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करते बी एल बी एच ये इसी direction में चलता है Coenzyme Q is your, Q noon, जो कि आपके electron carrier की तरह काम करते हैं बताया गया था Q cycle आपको यहाँ पे एक पहला क्यू टू दूसरा क्यू टू जब आएगा तो क्या काम करेगा देखिए जब क्यू एच टू आया अगेन क्या करता है कि कोई भी क्यू टू आता है तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन देगा आयरन सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन देगा आयरन सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन देगा बी एल को बी एल कन्वर्ट होगा बी एच में ये क्यू को इलेक्ट्रॉन देके क्यू इसमें कन्वर्ट कर देगा ये मैंने फोटोसिंथेसिस में बता रखा है अब ये जो है क्यू एस टू क्यू में कन्वर्ट हो चुका था दोनों इलेक्ट्रॉन को देके और प्रोटॉन को पंप कर दिया इस तरीके से ठीक है दिस वन नाउ अब क्या हुआ कि मैट्रिक्स के केस में ये केस चला क्यू एच टू से ये कन्वर्ट हुआ क्यू इसमें और ये है आपका पूरा का पूरा केस नाउ आफ्टर दैट ये पर्टिकुलर केस जब बना था तो पूरा का पूरा साइकिल में एक ही इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली गया अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो क्यू एच टू से ये बैलेंस करोगे क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया ये तो कैंसिल आउट हो गया क्यू एच टू से यही बना क्यू डैश या क्यू डॉट आपको यह बताया गया था कि Q का मतलब है जब Q एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये कन्वर्ट होता है Q डॉट में और फिर से अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्यू एस टू में ठीक है इसको बोलते हैं क्विनोन ठीक है यूबी इसको बोलते हैं क्विनोन और इसको बोलते हैं यूबिक्विनोल ठीक है यह आपको बताया गया था अगर याद आ रहा हो तो ठीक है फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस में यही चीज है ये चीज अल्टीमेटली यह बनी नाउ आफ्टर दैट जब दूसरा आएगा सेकेंड क्यूएस टू फिर से वो इलेक्ट्रॉन देगा इसके पास क्यूएस टू क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा अब ये चीज आएगा तो इसके पास ये क्यू जो यहां बना था ये क्यू यूटिलाइज तो कर लिया था ठीक है अल्टीमेटली <coughs> ये चीज इसको इसने यूटिलाइज कर लिया नाउ अब यूजुलाइज करने के बाद ये जो है इस पर्टिकुलर क्यू डॉट से क्या कर दिया कि ये क्यू डॉट अब क्यू एस टू में कन्वर्ट हो जाएगा अब क्यू एस टू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फिर से यूटिलाइज हो जाएगा उस पर्टिकुलर साइकिल के लिए ठीक है एक बार फिर से समझने की कोशिश करना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है क्यू साइकिल फिर से मैं बता दे रहा हूँ सो दैट क्यू कैन नॉट गेट कन्फ्यूज कभी भी कन्फ्यूज मत होना फिर से क्या करना है देखो क्यू एस टू आया क्यू एच टू आएगा ये देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको एक इलेक्ट्रॉन दिया आयरन सल्फर को ये देगा साइटोक्रोम सी वन को और ये कर देगा सी को एक इलेक्ट्रॉन दिया ठीक है नाउ एक इलेक्ट्रॉन दिया ये एक इलेक्ट्रॉन दिया बी एल को अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन ये दे देगा अपना एज यू नो दैट क्यू एच टू अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो ये हो जाएगा क्यू डॉट अगर दोनों ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये हो जाएगा क्यू मतलब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा अब क्यू में दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया और क्यू में कन्वर्ट हो गया अब ये बी एल बी एल से पहुंचा बी एच में ठीक है ये चीजें है बी एल से बी एच अब ये है कि बी एल से बी एच ये क्यू के पास पहुंचेगा और क्यू जो है अब इस इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो जाएगा क्यू डॉट ठीक है सीधी सी बात है क्यू बचा ही नहीं रहेगा क्यू कन्वर्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्यू डॉट में नाउ अब देखिएगा कि इसी पर्टिकुलर केस में दूसरा क्यू टू जब आएगा यानी कि अगेन इज लाइक टू इलेक्ट्रॉन ये केस बना ये चीज अब इस तरीके से हो जाएगी गायब रहेगा मतलब ये है आयरन सल्फर ठीक है ये है साइटोक्रोम सी वन और ये है साइटोक्रोम सी इसके साथ साथ ये है आपका देर इज लाइक ये केसेस अगेन दिस इज बी एल एंड ये जो है बी एच ए नाउ अगेन दिस हाफ ये, ये सेकंड Q सेकंड सेकंड QS2 आया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर इस पर्टिकुलर केस में दो प्रोटॉन पंप हो चुका था ठीक है इस पर्टिकुलर केस में भी दो प्रोटॉन पंप होगा जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब ये केस देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन आया फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा बी से बी और ये अभी के लिए क्योंकि ये क्यू तो बचा नहीं था ये सिर्फ क्यू डॉट बचा था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यू एच टू में और फिर ये साइकिल यूज हो जाएगी मतलब एक क्यू एच टू अल्टीमेटली जो था वो फोर प्रोटोन को पंप कर रहा था यानी अल्टीमेटली टू इलेक्ट्रॉन पम्प फोर प्रोटोन और यानी फोर इलेक्ट्रॉन विल पंप द एट प्रोटोन ठीक है इस तरीके की चीज फोटोसिंथेसिस में भी हो रही थी और यहीं पर हो रहा था तो अगेन दिस इज द केस अल्टीमेटली देखिएगा ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेटिव या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चल रहा था ईटीसी एन ए डी एच यहाँ पे देखिए एनएडीएच यूज हो रहा है क्यू के जो है वो कन्वर्ट हुआ ये आयरन सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पर्टिकुलर जगह से एज इनो दैट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के तरीके से ये जो है दो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पे और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ इधर आएगा और ये वापस साइकिल रोटेट होगी क्यू साइकिल के फॉर्म में और फोर प्रोटॉन यहाँ पंप हुआ फिर साइटोक्रोम सी के बाद जब ये ए ए थ्री के केस पहुंचा तो ये टू प्रोटॉन पंप हुआ अल्टीमेट जो है यहाँ पे कई सारे प्रोटॉन जो हैं वो पंप हो गए ठीक है नाउ अगर आप देखोगे तो फोर प्रोटॉन पंप ये किया था फोर प्रोटॉन पंप ये किया था ठीक है और ये प्रोटॉन पंप किया जो कि आपका दिस इज टू प्रोटन पंप ये जब होने के बाद इलेक्ट्रॉन like जन, ये इलेक्ट्रॉन से, से ये 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 कहा पहुंचेगा ये पहुंचेगा ऑक्सीजन के लिए और इलेक्ट्रॉन लेकेट हो जाएगा सो दिस टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ऑक्सीजन वॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है यहाँ पे

कोड क्या है कोड है अगर इनिबिटर के ऊपर बात करते हैं तो इनिबिटर इज देयर जहां पे हम बात करते हैं राको आर ए ए सी सी ओ दिस इज आर ए फॉर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ए फॉर कॉम्प्लेक्स थर्ड सी सी फॉर कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड ओ फॉर द कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आर का है रोटीनोन ए का है एमाइटल एंटीमाइसिन ये है का है साइनाइड यह है कार्बन मोनोऑक्साइड यह है ओलिगोमाइसिन माइसीन ये चीजें राको ठीक है क्या बोला मैंने राको राको याद रखे रहोगे कभी दिक्कत नहीं होगी यह कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर इसके अलावा कुछ और भी होते हैं जैसे डी एन पी दट इज अनकपलर की तरह काम करता है अनकपलर का काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस जो पाए जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है ये जो है वन से लेके वन लाइक ये है सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फर्स्ट और ये फिफ्थ इनके बीच में ये जो प्रोटोमोटिव फोर्स होता है ना पीएमएफ ये ब्रेक कर देता है ये ब्रेक कर देगा क्या अनकपलर तो ये अनकपलर प्रोटोमोटिव फोर्स को ब्रेक देगा जिसे अनकपल कर देगा तो यहाँ पे वही चीज है देखिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेज यानी थर्ड को करते हैं इसके बाद एटीपी के लिए ओलिगोमाइसिन जो बताया एफ नॉट एफ इसके लिए है अनकप्लर में डीएलपी बताया आपको डायनाइट्रोफिनॉल ये चीजें जो होती पाई जाती इतना भी याद रखे रहोगे तो आपका हो जाएगा

पंप थे जनरेट किया प्रोटोमोटिव फोर्स इसकी वजह से ये प्रोटोन इधर पंप करता है और एडीपी जो है ये यूज करके ए में कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी बना लेता है सो दिस पर्टिकुलर केस अगर एफ नॉट एफ वन एटी पेज को देखेंगे तो इसमें थ्री डी मॉडल आपको दिखता हुआ नजर आएगा एफ वन पोर्सन कम्पस्ट ऑफ दाइक डोमेन ए बी एंड नाइन टू फोर्टीन पार्ट ऑफ सी देखिए ए है इसके बाद बी है और ये सी है दिस इज द एफ वन पार्ट इस पर्टिकुलर केस को देखोगे तो ये है एफ नॉट पार्ट और ये जो कि सेक्शन है ऊपर वाला हिस्सा दिस इज वन ये है एफ वन एफ नॉट एट वन जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बनाते हैं या जनरल डायग्राम तो इस तरीके से बनाते हैं तो ये जो होता है ये एफ नॉट होता है और ये होता है एफ वन आपको यहाँ पे देखेंगे जो जोड़ के रखता है एक सेंट्रल के तरीके से जोड़ के रखते हैं ठीक है नाउ ये क्या करेगा रोटेट होगा देखो प्रोटॉन क्या होगा कि ये अकेले नहीं जाता C1 ये C1 से लेके ऐसे दूसरे पे ट्रांसफर होगा फिर तीसरे पे फिर चौथे पे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे से करके मूव करता हुआ तब जाके पंप होता है और ये फोर्थ जो होता है इसी वजह से ए इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पे ए जनरेट होगा कैसे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड तो ध्यान दीजिएगा जो प्रोटॉन का फ्लो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल ये लाइक अगर हम दोनों डायरेक्शन में रोटेट करेगा एक प्रॉपर डायरेक्शन में रोटेट करेगा इस तरीके से और रोटेट करके प्रोटोन को पंप करेगा इधर की तरफ अब इसमें क्या होता है कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो पाया जाता है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा का केस ये जो होते हैं अल्टरनेटिव वे में प्रेजेंट होते हैं और रोटेशंस ऑफ द गामा सब यूनिट गामा सब यूनिट का जो रोटेशन होता है ड्राइव द रिलीज ऑफ टाइटली बाउंड एटीपी ये तीन जो होते हैं बीटा के तीन फॉर्म इसके साथ साथ अल्फा भी जुड़ा होगा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अल्फा यहाँ पे अल्फा जुड़े होंगे ठीक है यहाँ पे अल्फा भी इस तरीके से प्रेजेंट होगा बट हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अल्फा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं बीटा का ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सिबल होगा ये क्या करेगा कि तीन ओरिएंटेशन होते हैं ये आपके ओ टी एल ठीक है ओटीएल का मतलब है एक ओपन ओ का मतलब है ओपन ओपन तब होगा जब आप देखेंगे ओ का मतलब है जहां पे कि आप एडीपी आके बाइंड करेगा दिस इज ओपन इसके बाद है टाइट बाइंडिंग जब एटीपी फॉर्म होगा यहाँ पे ओपन का मतलब है ए डी पी प्लस पी आई होगा ओपन है भैया फिर टाइट बाइंडेड है एटीपी इसको रिलीज करना है और फिर लूज ठीक है ये टाइट है लूज लूज का मतलब यहाँ पे एटीपी जो है रिलीज हो जाएगा एटीपी जो है वो रिलीज के फॉर्म में चला गया ठीक so <coughs> है सो नाउ या ओपन का फॉर्म है एटीपी रिलीज्ड फॉर्म ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको फिर से करेक्ट करते हैं सो दैट यू कैन गेट अ थिंग बहुत सीधी सी बात है ठीक है बहुत सीधी सी बात है कि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे ये है पहला चीज कि एडीपी प्लस पीआई बाइंड करेगा इसको हम बोलते हैं दैट इज अ लूज बाइंडिंग जैसे ही ये कन्वर्ट होगा ए से तो ये कर लेगा टाइट बाइंडिंग और इसके बाद ए जो है वो रिलीज होगा तो एक गैप बना देगा वहां पे स्पेस खाली हो गया ए रिलीज तो गैप क्रिएट होगा एंड शुड बी ओपन, यही होता है आपका पूरा केस एल से टी टी से ओ मतलब एल एल के बाद टी टी के बाद ओ के बाद एल ये साइकिल चलती रहेगी यही तीरों सब यूनिट का काम है जो है आपके एल में डायरेक्ट नहीं जा सकता एटीपी बनेगा तो पहले रिलीज होगा फिर पीआई आएगा यही केस आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए देखिएगा कि यहाँ पे बीटा सब यूनिट जो आपको बताया जा रहा है बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री देखिए ये अगर नॉर्मली केस में बात करते हैं तो ये एडीपीपीआई बना ये क्या है वन ट्वेंटी डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज वाइज में ये चीज रोटेट होती रहती है अब गामा गामा रोटेट करेगा वन ट्वेंटी डिग्री ऐसे करके तो चीजें चेंज होगी जो पहले ओ था वो एल में चेंज होगा जो पहले टी था वो देखिए ओ में चेंज हुआ और जो एल में था वो टी में चेंज हुआ टी ओ में इसी डायरेक्शन में देखिए टी ओ में ओ एल में एल टी में तो ए टी पी था रिलीज होकर गैप क्रिएट करेगा ए टी पी रिलीज होगा उसके बाद फिर आपका ए डी पी पी आई ए टी पी यहाँ पे एल में हो जाएगा ए डी पी पी आई आया उसके बाद ये जो है ए टी पी बनाएगा दिस इज वेरी सिंपल इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी वैन यू सी दियर यहाँ पे देखिए तो इसी तरीके से है ये है आपका ए टी पी एडीबी पी आई ओपन ये है आपका दिस इज टाइट ये है आपका एल और ये है ओपन नाउ अगर आपका थ्री प्रोटॉन आएगा आने के बाद ये रोटेशन गामा का चेंज होगा गामा देखिए वन डिग्री ये पहले इस डायरेक्शन में था उसके बाद ये open, जो open था, वो कन्वर्ट हो गया टी में और कन्वर्ट हो गया टी में लूज तो है, है से कन्वर्ट होगा टी में टी से कन्वर्ट होगा ओपन में सेम वही चीज फिर ये देखिए थ्री प्रोटॉन आया तो ये जो ओ था अब ये टी में ओ जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया लूज में लूज वाला जो था वो टी में और टी वाला जो था ओ में L वाला टी पे तो पूरा सिंपल सा केस है ओएलटी 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 ठीक है तो ओएलटी का पूरा का पूरा काम रख लीजिएगा हो जाएगा सारा का सारा पंगा ठीक है सो यही चीज है आप ओएलटी रखो या नॉर्मली टी एल ओ रखो या जो भी आपको रखना है एल टी ओ रखो बात एक ही चीज है ठीक है तो ये रोटेट होता रहेगा वन वन पे चीजें चलती रहेंगी देखिये कैसे चीज चल रहा है एक्टिव फिलामेंट है यहाँ पे कोई प्रोटोन आया तो प्रोटोन ऐसे घुमाएगा इसको जिसकी वजह से गामा सब यूनिट रोटेट करेगा और रोटेट करेगा तो यहाँ पे ए टी पी की सिंथेसिस होगी तो एच प्लस एक्चुअली किसको रोटेट कर रहा था एफ नॉट के सी सब यूनिट को एच प्लस रोटेट कर रहा था इसको और इस एच प्लस जब रोटेट करेगा तो इसकी वजह से गामा सब यूनिट

एडीन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेटर जो कि एटीपी को बाहर भेज रहा है और एडीपी को अंदर लेके आ रहा है ये एडीपी जो है प्रोटॉन के साथ जुड़ेगा एटीपी बना रहा है अंदर जा रहा है एटीपी ये काम कर रहा है और इस पर्टिकुलर एच प्लस को बैलेंस करने के लिए जो फॉस्फेट है हाइड्रोजन फॉस्फेट अंदर आके इसको बैलेंस करने का काम कर रहा है तो दिस इज द केस ऑफ ट्रांसलोकेशन एटीपी को बाहर भेज रहा है एडीनिम न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर और एडीपी को अंदर ले आ रहा है ये काम करते हैं एंटीपोर्टर के तरीके से यूज होते हैं सो यू गॉट इट गाइज रिस्प्रेशन थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर दिस लाइक फॉर वीडियोज़ इसके आगे मिलेंगे और अगले वीडियोज़ में थैंक यू सो मच पापा टेक यू नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का डी हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान वेदमी लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर एग्जामिनेशन मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ न्यू पैटर्न के लेक्चर वन टू वन डाउट डाउनिंग सेशन पीडीएफ और भी बहुत कुछ वेदमी क्यूँकी हर सपना हमारा है अपना इन नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द फ्रॉम प्ले स्टोर यूज करिए कोड विद ट्वेंटी फॉर गेटिंग द ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट विद मी एजुकेटिंग विद मी एजुकेटिंग इंडिया